हुआ सम्मान बेटो, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार भाई साहब। हाँ, बहुत दिनों बाद आया हूँ, कुछ नई खबर लेकर के आया हूँ, और वो है वसुधैव कुटुंबकम। मतलब समझते हो इसका है? जो शख्स सारी धरती को, सबको अपना मानता हो। कौन है ऐसा? अरे हमारे योगी राज, योगी जी, आदित्यनाथ जी ऐसे ही शख्सियत हैं जो सबको अपना मानते हैं, वाकई में। अरे कुछ लोग तो मुख्यमंत्री होते हैं जो अपने प्रदेश का विकास नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय योगी जी को देखिए, वो दूसरी जगह जाकर के विकास कर रहे हैं। कोलकाता में जाकर के फ्लाईओवर बनवा दिया, आहा, क्या बात है। अमेरिका में जाकर के फैक्ट्री डाल दी है। कौन करता है बताइए? अपने प्रदेश का लोग नहीं कर पा रहे हैं। गुजरात में देखा आपने किस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री झोला उठा के चल दिए, बोले हमसे ना हो पाएगा। नहीं, झोला उठा के नहीं चले, झोला उनको पकड़ाया गया, बोले चलो। एक हमारे योगी जी महाराज हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी फोटो चोर हैं। नालायक को शर्म नहीं आती है? योगी जी को फोटो चोर बोलते हो? मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी ने अपने प्रचार के लिए इधर उधर की फ़ोटो चिपका दी और ये दिखाना चाहते हैं कि ये देखो उत्तर प्रदेश में कितना विकास हो रहा है। अरे भाई साहब, फ़ोटो कहीं की भी हो, विकास तो उत्तर प्रदेश का ही हो रहा है ना। नालायक को फोटो चोरी में फंसे हुए हो तुम है? अरे योगी जी लोगों का दिल चुराना चाहते हैं। अच्छी अच्छी फ़ोटो जब छपेंगी तभी तो लोगों का दिल उनकी तरफ जाएगा है? इधर फेसबुक में देखो, बबलू मुच्छड़ पिंकी के नाम से प्रोफाइल खोल के बैठा हुआ है, सुनीता की फ़ोटो लगा करके है, कितने लड़कों का जीवन बर्बाद कर रहा है, और तुमको ये फ़ोटो की पड़ी हुई है। अरे पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। ये भी हो सकता है कि योगी जी ने कोलकाता का वो फ्लाईओवर खुद बनवाया हो। हो सकता है कि योगी जी ने अमेरिका में जाके वो जो फैक्ट्री का फ़ोटो डाला है वो खुद डलवाई हो। क्रेडिट ना लेना चाहते हो, इसके लिए किसी को ना बताया हो। भाई वो मोदी जी थोड़ी हैं कि जो 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं में अपनी फ़ोटो छपवाते घूमें। योगी जी वैसे नहीं हैं, उनको क्रेडिट की नहीं पड़ी है, है? सुबह सुबह 4 बजे उठ करके अंधेरे में ये सब काम निपटाए आते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। एक बार याद होगा आपको कि ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने योगी जी की कितनी तारीफ की थी, ऐसे थोड़ी की थी। हो सकता है योगी जी ने ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई हॉस्पिटल बनवाया हो, कोई ऑक्सीजन प्लांट लगवाया हो, वहाँ जाके कोरोना को मैनेज कर लिया हो, अपनी मुट्ठी में दबोच लिया हो। भाई कुछ किया होगा तभी तो ऑस्ट्रेलिया के जो सांसद थे वो योगी जी की इतनी तारीफ़ कर रहे थे। हाँ, योगी जी मतलब कुछ करते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। सवेरे सवेरे अंधेरा रहता है, 4 बजे कहाँ क्या कराते हैं। नालायकों, तुम्हें कहाँ से पता चलेगा? और जिताओ योगी जी को, जिताओ योगी जी को, यही सब होगा। नहीं, कहने का मतलब है फिर से योगी जी को जिताओ, यही होगा विकास। हो सकता है कि युगांडा, भूटान, सूडान में अगली बार योगी जी विकास करें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि फिर यहाँ के उत्तर प्रदेश के अंधभक्तों का क्या होगा। अबे नालायकों, अंधभक्तों का क्या होगा है? योगी जी को सब मालूम है कि किसको क्या देना है, क्या करना है। अंधभक्तों के लिए उनके पास सफिशेंट चीज़ें हैं, दी हुई हैं। वैसे भी उनको चाहिए क्या है? ये तिलक चाहिए, एक गमछा चाहिए, जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम सब मिला हुआ है उनको, और क्या चाहिए? तुम उनको जो है हाईवे, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी में फंसाना चाहते हो। नालायको, तुम्हारी ये चाल कभी कामयाब नहीं होगी। योगी जी ने इतना किया है सबके लिए, आज उनके जो भक्त वक्त हैं ना वो सब खुश हैं, जय श्री राम ये वो, इसमें खुश हैं, मस्त हैं वो, उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो एक बार ज़ोर से बोलो, योगी जी महाराज की। अब जय तो कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलो योगी जी महाराज। खैर योगी जी, आप चिंता मत करें, हम आपके साथ हैं। योगी जी महाराज की जय। हाँ, काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। हाँ, कहीं नाम बदल देते हैं, कहीं फ़ोटो बदल देते हैं, कहीं कुछ बदल देते हैं। मामूली आदमी नहीं है, बहुत बड़े जादूगर हैं योगी जी हमारे। हाँ, योगी जी की। अरे यार, हम अकेले कब तक जय जय बोले। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।